खबर रीवा जिले से है, जहां परिवहन विभाग रीवा द्वारा किए गए चेकिंग अभियान में 3 बिना परमिट ऑटो मिले हैं, जिनको जब्त कर उनके प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय भेजा गया था। इसके पश्चात न्यायालय के द्वारा कराधान की कार्यवाही पृथक से करने का आदेश भी किया गया था, जिसके तहत तीनों ऑटो पर 17,480 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है, जिसकी रसीद वाहन चालक को प्रदान की गई। इसके अलावा रीवा सीधी रोड पर 2 बस, जिनमें क्षमता से अधिक सवारियों का परिवहन किया जा रहा था, उन पर 13,500 का चालान बनाया गया। इसके अलावा अन्य धाराओं पर परिवहन विभाग के द्वारा चालानी कार्यवाही करते हुए 29,000 की चालानी कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग द्वारा लगातार यात्री वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा वाहन स्वामियों चालकों से जिला परिवहन अधिकारी रीवा द्वारा कोहरे के चलते मार्ग में ज्यादा दूर तक मार्ग साफ ना दिखाई देने के कारण वाहनों को सुरक्षित चलाने हेतु समझाइश भी दी गई। परिवहन विभाग की कार्यवाही लगातार 31 मार्च तक जारी रहेगी। वो बात नहीं है, एक सेकंड तक जा रही अपना बजने का और कोई भाई।